कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन के बारे में कि ये फाउंडेशन जो है हमारी स्किन पे फुल कवरेज देगा या नहीं देगा, ये ऑयली स्किन पे सूट करेगा नहीं करेगा, या ड्राई स्किन पे सूट करेगा या नहीं करेगा। अब हम जो भी प्रोडक्ट मार्केट से अगर अपने फेस के लिए कुछ भी खरीदने जाएँ, मैं इसकी बात सिर्फ नहीं कर रही हूँ, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदें ना, तो हमें फर्स्ट टाइम ये डाउट ज़रूर होता है कि पता नहीं यार ये हमारी ऑयली स्किन के लिए अच्छा है या नहीं है, ड्राई स्किन के लिए अच्छा है या नहीं है, या हमें कवरेज अच्छी देगा या नहीं देगा। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगी कि मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन का जो कवरेज है वो किस तरीके का है, वो किस तरीके की स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। बताती हूँ कि ये किस फॉर्म में आता है। ये हमारा जो फाउंडेशन है, ये देखिए इस तरह से ये लिक्विड फॉर्म में आता है। ये देखिए, ये इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आता है और मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे तो अप्लाई करने के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर कभी भी यूज़ करें तो उससे पहले उसे आप पानी में भिगो के एक बार और उसके बाद अच्छे से निचोड़ लें। ऐसा करने से क्या होता है ना कि जो हमारा फाउंडेशन है ना, वो ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, हमारी स्किन में ही जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे फेस वॉश ही कर रखा है और उसके अलावा मैंने इस टाइम यहाँ कुछ भी नहीं लगा रखा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि थोड़े ये डार्क सर्कल वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे, तो अब मैं इसको ऐसे ही डॉट 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 करके पहले अप्लाई कर लूँगी थोड़ा सा अपनी स्किन में, अप्लाई कर लूँगी मैं। और अब ये ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इस तरीके से मैंने इसको आपको अपने फेस पे अप्लाई भी करके दिखाया है। और अप्लाई करने के बाद तो मैं इतना ही कह पा रही हूँ कि कवरेज तो ये देता है, बट फुल कवरेज जो होती है ना मेकअप वाली, कि आपको किसी पार्टी में जाना है तो खाली इसे अप्लाई कर लिया और चले गए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इससे पहले कंसीलर प्राइमर यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आप ऑफिस वर्क के लिए अपने घर से रोज़ जाते हैं या आप किसी भी काम से रोज़ घर से निकलती हैं, तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कीजिए। ये बहुत बेस्ट फाउंडेशन है गर्मियों के लिए, और क्योंकि ये बिल्कुल मैट है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, लगाने के बाद ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमने कोई फाउंडेशन इस्तेमाल किया है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए। ऑयली स्किन वालों के लिए तो मैं स्पेशली सजेस्ट करूँगी कि गर्मियों में ये आपके लिए सबसे बेस्ट फाउंडेशन है। तो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं। मैं जो है शेड यूज़ करती हूँ 115 इवोरी। आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड चूज़ कर लीजिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको ये फाउंडेशन कैसा लगा है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।